इज द सर्वाइवल डे पार्ट 3। तो जल्दी से पहले यहाँ से कोबल स्टोन हटाते हैं, इतना सारा है ना, दिमाग खराब कर दिया मैंने पहले तो लगा दिया, जिससे मैं अपना घर बना लूँ। और आज हम इस पार्ट में अपना घर फुल कंप्लीट करके ही रहेंगे। यहाँ पे डर्ट आ गई, चलो इसको बाद में हम सही करेंगे। मैं फुल नेदरराइट का भी हो चुका हूँ, सो अब जल्दी से घर से बाहर चलते हैं। आप बताओ कि मेरे को, जैसे कि मैं, आप मेरे को चैलेंजेस दो हैशटैग चैलेंज के, और जो मिथ आपको मेरे से पूछने हो आप वो मेरे को पूछ के, आपका हैशटैग चैलेंज लेके आप मेरे को दे देना या फिर हैशटैग मिथ, तो मैं आपको आपके अपने मिथ बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पे जाओ और मैंने दो मिथ्स बनाए हैं, उसको चेकआउट करो। तो पहले यहाँ से जल्दी से डर्ट हटाते हैं, क्राफ्टिंग टेबल, हर जगह मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल रखे हैं। और आज के वीडियो में हम अपना घर कंप्लीट करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ से ग्रेवल हटाओ, क्राफ्टिंग टेबल को पहले तोड़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह रखे हैं मैंने क्राफ्टिंग टेबल, मैंने ये तो अपने पहले वाले पार्ट में मैंने इतना काम कर लिया था, ऊपर ये सब वगैरह मैंने ये सब तो लगा लिया था, पर अभी बहुत काम बाकी है। सब जल्दी से आगे चलते हैं। मेरे साथ किसी दिन ये ना हो जाए कि मैं अपना आर्मर चेस्ट में रखने गया और मैंने बाहर देखा स्पाइडर है और उसने मेरे को मार दिया। पर एक चीज़ हो सकती है, मैं अपने घर के बाहर मरा। ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसी बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें बना रखी है। देखो जैसे अभी मैं ये तोड़ूंगा केव आ जाएगी, देख लेना अंदर। ये सब मैंने, मतलब ये थोड़ा था, मैंने इसको अंदर बहुत कुछ अभी चेंज करा था थोड़ा, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी कर रखी है। और यहाँ पे कोल वगैरह आराम से माइनिंग पे चला जाता हूँ मैं, यहाँ पे आयरन भी मिल जाता है बड़ी आसानी से। पहले जल्दी से सारा कोल ले लेते हैं, पर क्या असलियत में ऐसा हो सकता है कि हम कोल माइन करें और हमें एक्सपी मिले? तो जल्दी से पहले सारा कोल लेते हैं, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब नीचे चलो वापस, जल्दी से हम नीचे चलते हैं। और आगे मैंने इतनी सारी टॉर्चेस लगा रखी हैं, यहाँ से कुछ टॉर्चेस उखाड़ के मैं अपने वहाँ पे रख दूँगा। मेरा जो घर है अभी मैं उसको, मैंने कुछ सोचा था वो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि मेरा घर कैसा होगा। यहाँ से कुछ टॉर्चेस ले रहे थे अपने घर के लिए। मेरा घर तो आज कंप्लीट होने वाला है और मैं अपना घर आपको लास्ट में दिखाऊंगा, एकदम वीडियो के एंड में। ये रहा एक और टॉर्च, एक और टॉर्च। यहाँ पे मैंने इतनी सारी टॉर्चेस लगाई थी ना बना के, पर कोल, पर ये टॉर्च कैसे हुई? टॉर्च तो मतलब होती है लाइट वाली, पर इसमें तो कोल लगता है। असली लाइट में कोल लगता है? आप मेरे को कमेंट करके बताओ। सामने हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है, इसको वापस यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं, सब वैसा ही रख देते हैं। यहाँ पे ग्रेवल कोबल स्टोन लगा लेते हैं, कोई नहीं। किसी को ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पर यहाँ पे बहुत कुछ है। ये चिकन कहाँ से आ गया? मार के रहूँगा आज चिकन को। भगरी की तरह भग मत, रुक जा, इतनी तेज भाग रही है, रुक जा रुक जा। चलो गई, शॉर्ट सही है मेरे पास। यहाँ आगे शीप भी है, इसको भी मार। हेलो शीप, तुम गई? जल्दी से अपने घर के वहाँ चलते हैं, पहले अपनी क्राफ्टिंग में देख लेते हैं कुछ है या नहीं। इन्वेंट्री में थोड़ा खाना है, पर अभी बहुत सारी भूख लग रही है मेरे को, मेरे अंदर बार भी कम हो रहे हैं। तो चलो जल्दी से, खाना तो हमने खा लिया, थोड़ा सा खाना और खा लेते हैं। ये भी, ये सब हो गया हमारा काम। यहाँ पे डर्ट पड़ी थी, हमने वो डर्ट भी ले ली। दरवाजे खोलो, क्राफ्टिंग टेबल। अब हम बना लेते हैं बहुत सारी टॉर्चेस। अरे ये नहीं चाहिए मेरे को, टॉर्च चाहिए। हाँ टॉर्चेस हमारी बहुत सारी, पूरी 31 मीन्स 31। तो जल्दी से अपने घर में लगा लेते हैं और बाकी हम अपनी किसी केव में लगा लेंगे,
इतनी सारी टॉर्चेस है, जल्दी से ऊपर हम लगा लेते हैं सारी टॉर्चेस। बहुत सारी टॉर्चेस हैं, कुछ चेक कर रहा हूँ कुछ बन सकता है या नहीं। टॉर्चेस ही करते हैं अभी, टॉर्चेस जल्दी से हम ऊपर लगाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है वो हमारा घर, एकदम रोशनी भरा। हम अपने घर को ना एक कास्टल में किसी दिन करेंगे, वो आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा पर हाँ पर आपको मिल जाएगा। टॉर्चेस ये इधर, कुछ इधर लगा देते हैं और कुछ हम गेट के ऊपर लगा देंगे और कुछ यहाँ पे लगा देते हैं और गेट के दो ऊपर, अच्छा लगेगा। तो ये हमारा बेड है, ये सब डन, ये सब सारा काम हमारा हो सकता हो गया है। मैं बोलने में क्या बोलता हूँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ। शीप, शीप गया, चिकन का बच्चा छोड़ दूँ? नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा। आगे एक पिग दिख रहा है, हेलो मिस्टर पिग, दुनिया से उठ चुके हो आप। आगे देखो ये मुर्गी को, कुकड़ुकू कुकड़ुकू मारो कुकड़ुकू, निकलो। अभी आगे एक और पिग दिख रहा है, मार दे, चलो मार देते हैं इन्हें भी। गया ये तो खाना, पर पता है अगर हम फायर एस्पिक वाली शॉट से मारते हैं तो हमको खाना पका हुआ मिलता है, वरना अगर हम नॉर्मल शॉट से मारते हैं तो हमको खाना मिलता है रॉ, एकदम सूखा सूखा सा खाना जो बिल्कुल कुक नहीं होता, गंदा लगता है वो खाना। पर हम अभी ये कर सकते हैं, पर मेरे को मुर्गी का यार, पर मेरे को चिकन का, मेरे को तीन ऐसे वाले क्यों मिले। आर्मर स्टैंड की रेसिपी देखते हैं क्योंकि हमारा आर्मर की यार ड्यूरेबिलिटी कम हो रही है। आर्मर स्टैंड के लिए स्मूथ स्लैब, और ये कैसे बनती है, अच्छा ढूंढते हैं कहीं पे मिल जाए। फिलहाल अभी रात हो रही है, मॉब्स भी आ रहे हैं, चलो अंदर चले। अबे अभी आपने देखा थोड़ा ग्लिच हुआ, बाहर था पर मैं अपने आप अंदर आ गया, तो जल्दी से अभी सोते हैं। फिलहाल अभी हम उठेंगे, सो चलो इतनी जल्दी गुड मॉर्निंग भी हो गई, बाहर चलो। अगर क्रीपर किसी दिन मेरे घर के बाहर एक्सप्लोड हुआ तो फिर मेरा घर इतना अच्छा मैं बनाऊंगा ना आज घर, अगर उसने मेरा घर तोड़ा, या फिर मैं अपनी कैट को टेम करके रख लूँगा सबसे बढ़िया। फिर जो, क्योंकि जो क्रीपर होते हैं वो कैट को देख के भागते हैं, और आपको पता है कि कुत्ते जो होते हैं उन्हें हड्डी अच्छी लगती है, तो हम अपने घर के बाहर डॉग्स को टेम करके रखेंगे तो फिर वो, फिर जो स्केलेटन होते हैं वो हड्डी के पीछे भागते हैं, मतलब जो डॉग्स होते हैं वो हड्डी के पीछे भागते हैं, जो फिर जो स्केलेटन होगा उसको डॉग खाएंगे तो वो उससे दूर भागेगा। सही है ना मेरा लॉजिक, आप कमेंट में बताओ। तो जल्दी से, यहाँ पर बहुत सारा कोल है, कोल काम में आ जाएगा हमारे आज, नहीं तो कल काम में आएगा, इतना कोल बहुत है। अरे इतना सारा कोल, यहाँ क्या है, नीचे क्या है, जाके देखे। अरे मैं बस देख रहा था, स्केलेटन लग रहा है वो, टॉर्च यहाँ पे वो ना हो, कोई स्केलेटन या फिर कोई ज़ॉम्बी ना मिल जाए मेरे को इधर। चलो फिलहाल तो कोई नहीं है, चलो छोड़ो अभी मेरे को आगे जाने का मन नहीं है, क्योंकि जब मैं पहले माइनक्राफ्ट खेलता था ना, मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं केव में आ गया और फिर मैं उस केव से निकल ही नहीं पाया, तो मैं केव में जाने से डरता हूँ। पर अब मेरे को माइनक्राफ्ट अच्छे से खेलने आ गई है, तो अब हम माइनक्राफ्ट को आराम से खेल सकते हैं बिना कहीं पर ट्रैप हुए। यहाँ पे इतना सारा स्टोन है, देखते हैं कि इससे स्मूथ स्टोन स्लैब बनती है या नहीं, या फिर हम स्टोन कटर की हेल्प से बना सकते हैं। स्टोन कटर तो मेरे को विलेज में मिलेगा,
या फिर हम उसकी क्राफ्टिंग रेसिपी देखेंगे। और हम अपनी सारी जितने भी हमारी चीज़ें हैं उनको एन्चेंट करेंगे उसको। हम जैसे हमारे पास भी वुडन और सिर्फ स्टोन की है, पहले थोड़ी ये लगा देता हूँ, थोड़ा यूज में आएगा। आपने पहले पार्ट में मैंने देखा था, मतलब सेकंड पार्ट में देखा था इस वाले से पिछले वाले में, जो घर है मैंने उसकी सिर्फ छत तक करा था पर वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। हम इसमें अपने घर को कस्टमाइज़ करेंगे। और मैंने जो टू पार्ट था ना मेरा माइनक्राफ्ट गेमिंग का, उसके अंदर हुआ क्या था, मैंने जब मैंने वीडियो बनाने के बाद एक बार मैंने देखा कि सही बनाया ना घर, तो तब हुआ मेरे साथ कि जैसे ही मैं आगे गया तो मेरी वो कम हुई है, तो फिर मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। ये क्या हो रहा है, मैं चढ़ क्यों पा रहा हूँ? वाह मेरे तो मज़े हैं। हाँ मैं चढ़ सकता हूँ रियली पेड़ पे एक और बार? अच्छा अरे वो वहाँ पे वो थी ना मतलब ब्रांचेस टाइप की लटक रही थी ना ये सब, तो हम ब्रांचेस पे तो लटक सकते हैं। अरे दीन ने भी मेरे को अपने पास बुलाया था ना, तो चीपू कह रहा था उसका, आप अलादीन देखते हो तो मेरे को कमेंट में बताओ। तो जल्दी से घर में चलते हैं, अभी गेट बंद करते हैं पहले, अगर कोई मुर्गी अंदर आ गई तो। ये क्या चीज़ थी, पहले अपने लिए कुछ चीज़ें बनाते हैं, अभी तो नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों की। पहले वुड स्मूथ स्टोन किया, स्मूथ स्टोन। अरे इन सबको छोड़ो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को इन सब का कुछ अचार नहीं डालना रहने से, ये सब का मैं करूँगा अभी क्या। आर्मर स्टैंड में अपनी नॉर्मल चेस्ट में रख लूँगा, भाई आगे आगे जाके माइनिंग वाइनिंग करेंगे, डायमंड मिल जाएंगे, गोल्ड मिल जाएंगे। अरे यार प्रोग्रेस तो मिलना चाहिए ना भाई। चेस्ट अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो जल्दी से बना के। क्या कर रहा हूँ मैं, ये कर क्या रहा हूँ यार, ऐसे कभी होता है? प्लैंक्स के साथ मैं नॉर्मल वुड मिलाऊंगा तो कुछ बनेगा? कितने हो गए? बस एक इधर और एक और, अरे तुम खुल गया था बनाना। चेस्ट एक और डन, जल्दी से उस चेस्ट के बारे में करते हैं। ये चेस्ट बूम बड़ी लार्ज चेस्ट, अपना आर्मर जल्दी से इसके अंदर रखते हैं, अपनी वर्ड भी रख देते हैं इसके अंदर। डन ये डन डन, ये भी गया। चलो बस यही चाहिए था हमें। तो अब जल्दी से बाहर चलते हैं, गेट बंद। ये तो नहीं है, नहीं है तो स्मूथ स्टोन ब्रिक्स है, पर ले लेते हैं। ओ डैमेज 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 तो भर भर के मिलता है मेरे को रोज। क्या था ये, नेदर पोर्टल है वैसे तो ये। जिस दिन ऑब्सीडियन मिला ना मेरे को नेदर में जाके गास चवास सबसे फ्रेंडशिप कर लेंगे। थोड़ा पार्क वर्क कर लिया मैंने, प्रो बोलते हैं। आगे जाओ, ये कैसा था, मैं स्त्री को, आपको तो पता ही होगा मैंने स्त्री के साथ क्या करा है, स्त्री के साथ अत्याचार करा है मैंने। स्मूथ स्टोन स्टोन पिकैक्स, नीचे चलते हैं कुछ मिल जाए। अच्छा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, चलो और कुछ ढूंढते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। ये सीट कितना अच्छा है, कुछ भी नहीं मिलता तब भी अच्छा है। मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, प्लीज़ गाइस मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। आपको अपनी फ़ोन की कसम, आपको मेरी वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं करा तो आपका फ़ोन टूट भी सकता है, ये एक ढोंगी बाबा का कहना है। तो रिस्क मत लो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तो जल्दी से चलते हैं, मैं घूमना जाऊँ यार अपने घर से इधर जल्दी से। लग इतनी सारी सैंड, अब अभी पर कुछ नहीं करेंगे,
आपको पता है माइनक्राफ्ट में सैंड को अगर हम फर्नेस में डाल के कोल से वो करते हैं, आपको पता होगा कि वो ग्लास बन जाता है। आपको नहीं पता तब भी मैं बता देता हूँ, पर चलो ठीक है। वैसे भी हमारे टूल्स भी अभी टूल्स की भी एक्सपी थोड़ी कम हो रही है, पर उसको रहने दो, हम नए टूल्स बना लेंगे। आप मेरे को बताओ कि मैं कैसे टाइप का कासल बनाऊँ। आप जैसे टाइप का बोलोगे मैं वैसे ही टाइप का बना लूँगा। ये अब हम क्या करें, ग्रेवल नीचे। अच्छा चलो अब हम अपने घर को थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं, बाकी सब तो हम लिया है। ये आपको पता था कि यार हमें ये देखो, ये मैं ऐसे करता था तो मैं नीचे चला जाता हूँ। इसको जल्दी से हटा देते हैं, हटो जितने हट रही। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ये डन, घर में जाओ। क्राफ्टिंग टेबल, माइनक्राफ्ट की सबसे मेन चीज़ होती है क्राफ्टिंग टेबल। प्लैंक्स की जरूरत है अभी, कोबल स्टोन्स क्या बनाया अभी। अभी हमारे पास ये तो बहुत है, पर अभी हम स्टिक्स बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं। मैंने दो दो बना ली क्योंकि आपको तो पता ही है ना माइनक्राफ्ट में टूल्स की एक्सपी कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। पर मेरे को ऐसा समझ नहीं आता माइनक्राफ्ट में सब डिब्बा डिब्बा क्यों है। वैसे भी रात होने वाली है पर कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फ्लिंट मिल गया, मैं फ्लिंट एंड स्टील बना पाऊँगा। कोई नहीं, पहले जल्दी से यहाँ से सब हटाते हैं। स्टोन से थोड़ा फास्ट होता है। और अगर आपको वुड काटनी है तो आप हमेशा गोल्ड की यूज़ करो, या अगर आप नेदरराइट की यूज़ करोगे तो आपको उसके ऊपर बहुत सारी एबिलिटीज लगानी पड़ेगी, बहुत सारी। जल्दी से ये सबको हटाते हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। प्लीज़ कोई स्पाइडर ना आ जाए, क्योंकि मेरे को पता है स्पाइडर जब कोई भी काम कर रहे होते हो ना, स्पाइडर काम बिगाड़ने हमेशा आती है, कुछ भी कर लो चाहे आप लोग। ये सब है गया, देखो वो रही सामने स्पाइडर। अगर मारा तो मैं क्या, मैंने तो अपना रिस्पॉन सेट कर रखा है ना, मैं तो अपने घर के बाहर स्पॉन हूँगा। मैं तो वापस अपने छत पे आके अपना सामान भी ले सकते हो, मार दिया तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। और मैं ऐसा घर बनाऊंगा जहाँ से अगर कोई आम इंसान निकलने की कोशिश करेगा वो नहीं निकल पाएगा, मतलब बिना इसको तोड़े। चलो जल्दी से ये एक और ये लास्ट, ये कंप्लीट। अब कोई कुछ तो नहीं है ना यहाँ पे। ओके प्लैंक्स, ओए गिरा, नहीं स्पाइडर नहीं स्पाइडर नहीं, ग्रेवल। जल्दी से सब कुछ लगा दो, अरे जल्दी डर्ट लो, जल्दी डर्ट। यार मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ पता नहीं इनको वोडाफोन के मैसेजेस को क्या दिक्कत है मुझसे। कुछ भी कर लो, मैसेजेस कभी आने बंद नहीं हो सकते गाइस। नोटिफिकेशन मैं ऑफ ही कर दूंगा, मैं हमेशा के लिए ऑफ कर दूंगा, रियली मैं ऑफ कर दूंगा। स्पाइडर आ रही है, नहीं हाँ स्पाइडर स्पाइडर स्पाइडर, नो नो नो, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मारने को। भाई भाई भाई, रहने रहने, मत मारना बुड्ढी स्पाइडर। मार ले तू, मार ले, कोई नहीं कोई नहीं, मार ले मार ले, मार दिया। अब यहाँ से बचा तो नीचे एंडरमैन मारेगा। चलो डैमेज तो मिल गया, मैं कितना लकी हूँ। पर अब मैं इनसे मरने नहीं वाला, मैं इनको ही मारने वाला। मेरे पास सब है अभी, सब जल्दी जल्दी पहन लेता हूँ, पूरी तैयारी में। पीछे साउंड लगा दो, ये एंडरमैन किधर है, एंडरमैन को बुलाओ। एंडरमैन छोड़ो, एंडरमैन को। स्पाइडर किधर है, स्पाइडर स्पाइडर। पहले अपना सामान लेते हैं, स्पाइडर को बाद में बुलाएंगे। अभी इतना सारा सामान हो रहा है यहाँ पे। यार मेरा कुछ सामान तो यार चला ही गया होगा ना, या फिर मैं अपने ऑप्शंस में जाके कीप इन्वेंटरी कर दूँ। पर यार वो जो चीटिंग होएगी ना,
अगर हम सर्वाइवल में खेलते हैं तो यार हमको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ से बाहर जाते हैं पहले। और ये क्या, उठते ही हरा 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 चमकीला सा जानवर। ए फटा क्यों नहीं रहे तू, फट फटना फट फट फट, मेरे को क्या है रे, अब तो मरेगा। तो क्या ये क्रीपर है क्या, ये घर के पास नहीं, घर के पास एक्सप्लोर नहीं, एक्सप्लोर घर के पास नहीं। इधर आ जा तू, इधर फट पहले फट। ये देखो गाइस, ये है मेरा पूरा घर। तो मैं ऊपर देखो कितनी सारी टॉर्चेस हैं, चारों तरफ टॉर्चेस। तो घर के बाहर चलते हैं और जल्दी से, मैंने इसके पीछे थोड़ी वुड प्लैंक्स लगा दी। ये इतनी सारी मैंने वुड प्लैंक्स लगाई। और ये देखो मैं आपको चढ़ के दिखाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे फेंस लगाए हैं बाहर का नज़ारा देखने के लिए। और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि हम घर से बाहर कैसे जाएंगे, मतलब अपनी छत से बाहर कोने से जाओ, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से नीचे उतरो आराम से। सो बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय गाइस।